जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुबह की शुरुआत गौ माता को चारा खिलाकर करते हैं और गायों के लिए प्रदेश भर में एक खास योजना के तहत देखभाल के लिए प्रयासरत हैं और गौशाला के माध्यम से ही गायों के लिए खास इंतजाम के तहत गायों के संरक्षण को लगातार प्रयासरत हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया के ही प्रदेश के जनपद बहराइच में गौशाला के नाम पर गायों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम सभा पोंडा में बनी गौशाला में रखी गायों को ढंग से चारा नहीं मिलता। बीमार होने पर गायों को जंगल और खेतों में जंगली जानवरों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ढंग से उपचार नहीं होता। सैकड़ों गायों के अस्थि पंजर खेतों और जंगलों में पड़े हैं। एसडीएम मोतीपुर के क्षेत्र में गायों के साथ ऐसी दुर्दशा बेहद निंदनीय है। वहीं स्थानीय ने बताया कि गौशाला सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं होती, गायों को ढंग से देखरेख, बीमारी होने पर उन्हें लाद कर छोड़ दिया जाता है जंगलों और खेतों में, तालाबों में, जिसके बाद उनकी बुरी दशा होती है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? डीला। हाँ। गौशाला यहाँ से कितनी दूर पे है? सामने ही है। सामने। अच्छा, यहाँ जो ये कंकाल पड़े हुए हैं किसके हैं? ये सब गाय, गायों के कंकाल है। कौन लाके फेंक जाता है? ये ठेला पर लाद के लेके जाते हैं, मर जाते हैं, बीमार जो होता है उसको लाद के लाते हैं, यहाँ पे बहा देते हैं, जंगली जानवर खा जाते हैं। कितने होंगे कम से कम गाय अब तक? 300-400 मर गए था। तो सब इधर ही पड़े हैं? सब इधर ही लाइन से जंगल में सब बहा दिया। आप लोगों को कैसे पता चला? मैंने, हम लोग छगड़ी चढ़ा रहा था वो इतना बदबू आया, मैंने देखा तो गाय पड़ी। तो मैंने, हम लोगों ने कहा कि इधर गाय मर गई, इधर ना लेके आओ। बीमार होते हुए छोड़ जाते हैं? हाँ। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सुखा है। कहाँ रह जाते? लड़किया। अच्छा, लड़किया रह जाते हैं। आपके घर से गौशाला कितनी दूर है? कितनी दूर है भैया? अच्छा अच्छा, तो क्या व्यवस्था है वहाँ गायों को लेके? वहाँ साहब कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को चार चार गायें लिखी गई, हम लोग घर पे लाए हैं, उसको सेवा कर रहे हैं और उसको तनख्वाह कह रहे हैं मिलेंगे, वो तनख्वाह नहीं मिल रहा है। कोई चीज वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। जो गायें मर रही है वहाँ पे उसको लेके जंगल में फेंक देते हैं? फेंक देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ। जो बीमार होती है उनको क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं यहाँ। डॉक्टर आवत है, झूठ झाड़ के गाँव के है, देखभाल के चले जाते हैं। अच्छा, बात खत्म होगी। एसडीएम साहब नहीं आते का? कोई नहीं आया है। मुख्यमंत्री से शिकायत की? हम लोग जानते नहीं है साहब कि आए हैं कि नहीं। अगर हमको मालूम होता कि आए हैं तो हम लोग जाते। योगी आदित्यनाथ जी बगैर भोजन किए गाय को खिलाए से पहले भोजन नहीं करते? करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ गाय धंधा हो रहा, चारों तरफ बदबू फैली हुई है। अरे बहुत परेशान है साहब, इसीलिए तो बहुत परेशान है, लेकिन कोई सुना नहीं। हम लोगों ने दिया था वहाँ, लेकिन कोई सुना नहीं गया। मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? हम लोग कहते हैं या तो गाय को छोड़ दिया जाए, जहाँ बेचारी चरे, या तो कोई व्यवस्था करें उसके लिए। अच्छा, चारा वारा भी उसमें टीन सेट में उन लोग के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कोई है? देखिए अब तो आप देख लीजिए, कोई नहीं है वहाँ। एक बत्ता बड़ा घर बना हुआ है, उसमें कोई जगह नहीं है कि कहाँ उसकी गाय रहा। वो तो सैगर गाय रहा, सब मर गई। जितने आदमी है चरावा जाते हैं सब कह रहे हैं कि साहब वहाँ मर गई, वहाँ तो कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है? गौ माता होती है, मात पिता होते हैं, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं। तो कोई साहब नहीं आते? एसडीएम साहब कोई नहीं देखते हैं साहब यहाँ।